Good afternoon, all of you. My name is Ruby, and today I will discuss about the size reduction. What is the process of size reduction? Size reduction is very important in pharmaceutical companies because on the large scale, there is a wide use. In the pharmaceutical, we use for size reduction for tablet because for making the tablet, we will use for the granules, and in this slide we will discuss about the definition of size reduction. What is the meaning of size reduction? Size refer to the physical dimensions of an object, and the reduction refer to the decrement of the process of decreasing the size. And decrement is the meaning of decreasing the size. इसमें क्या होगा कि साइज जो पार्टिकल है हमारा उसका पार्टिकल का साइज स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में डिफरेंशिएट होगा, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होगा, और वो पार्टिकल्स हमारा क्या मिलेगा, एक प्रॉपर फाइन पार्टिकल होगा, एक प्रॉपर फाइन पाउडर्स की फॉर्म में होगा जिसका सरफेस एरिया बड़ा ही कम होगा, और वो सरफेस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है फार्मास्यूटिकल्स में हर एक फॉर्मुलेशन के लिए, बिकॉज कोई भी फॉर्मुलेशन हम बिना सरफेस एरिया, जिस पार्टिकल्स का साइज का सरफेस एरिया अगर कम नहीं होगा तो वो इजिली हमारी फॉर्मुलेशन बनाने में भी हेल्प नहीं करेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइज रिडक्शन हमें फार्मास्यूटिकल के अकॉर्डिंग चाहिए ही चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे सिंपल डेफिनेशन ऑफ साइज रिडक्शन. कि सिंपली हम साइज रिडक्शन किसको कह सकते हैं? साइज रिडक्शन इज द ऑपरेशन कैरिड आउट फॉर रिड्यूसिंग द साइज ऑफ बिगर पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर वन ऑफ डिजायर्ड साइज एंड शेप विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. अब एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से हैं? अब सपोज हमारे पास कोई सॉलिड पार्टिकल है और वो सॉलिड पार्टिकल हमने क्या करना है, अलग अलग स्मॉल पार्टिकल्स में उसको डिवाइड करना है. उसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? उसको हम डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनी प्रेशर, विद द हेल्प ऑफ एनी फोर्स, और वो फोर्सेस आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. किस लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोर्सेस और प्रेशर हम क्यों यूज करेंगे? क्योंकि जिस नेचर का पार्टिकल्स, जिस नेचर का हम कंपाउंड यूज करेंगे, उसी नेचर का ही हम क्या करेंगे, जो उस नेचर के लिए फिट बैठेगा, जो उस नेचर के लिए पर्टिकुलर होगा, वो ही मैकेनिज्म हम यूज करेंगे साइज रिडक्शन के लिए. जैसे कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन इज द अनदर टर्म फॉर साइज रिडक्शन. साइज रिडक्शन के लिए कॉम्बिनेशन क्या है? दूसरी टर्म है. ये मींस हमारे पास क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन. ठीक है, साइज रिडक्शन और कॉम्बिनेशन इज द सेम थिंग. इन नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे दिखाया गया है लार्ज पार्टिकल्स और स्मॉल पार्टिकल्स रिड्यूस्ड इन पार्टिकल साइज. अब पहले क्या था, पार्टिकल साइज बड़ा है, ठीक है, और बाद में क्या है, पार्टिकल साइज स्मॉल है. अब जो ये लार्ज पार्टिकल है, पहले क्या है, टू पार्टिकल्स को हमने डिवाइड किया है थ्री पार्टिकल्स में, उसके बाद हमने थ्री पार्टिकल्स को हमने किस में डिवाइड किया है, थ्री से ज्यादा पार्टिकल्स में. ऐसे ही बहुत ज्यादा और अलग अलग पार्टिकल साइज उसका क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा, और नंबर्स क्या होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे. जैसे इसने इसमें दिखाया इंक्रीज इन लिपिड नैनो पार्टिकल्स कंसेंट्रेशन. तो क्या होगा, जैसे ही पार्टिकल साइज आपका रिड्यूस होगा, वैसे ही आपके जो लिपिड्स के फॉर्म में जो पार्टिकल्स होते हैं, लिपिड के फॉर्म में जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, उनमें क्या होगा, कंसेंट्रेशन उनका इंक्रीज हो जाएगा, नैनो पार्टिकल्स जो उसके हैं. नेक्स्ट आपका है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज रिडक्शन. ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेगा, हमारा एम क्या है मेनली साइज रिडक्शन करने का, क्यों हम फार्मास्यूटिकल्स में साइज रिडक्शन करते हैं. सबसे पहले है इन द मटेरियल्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्री साइज रिडक्शन और कॉम्बिनेशन इज यूजुअली कैरिड आउट इन ऑर्डर टू, जो मटेरियल्स हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं उसका साइज रिडक्शन हम क्यों करते हैं. कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें. फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज द सरफेस एरिया बिकॉज इन मोस्ट रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सॉलिड पार्टिकल्स द रेट ऑफ रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट विद अ सेकेंड फेज. क्या है कि जब तक आपका सरफेस एरिया किसी भी पार्टिकल्स का, किसी भी
पाउडर पार्टिकल का ज्यादा नहीं होगा तब तक आपकी वो फॉर्मुलेशन अच्छे से नहीं बनेगी, क्योंकि जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वही पार्टिकल्स वो ही क्या करेंगे अपना एक फॉर्मुलेशन जब रेडी हो जाएगी उसकी, उस फॉर्मुलेशन में रेडी होने के बाद वही पार्टिकल्स अपना रेट ऑफ रिएक्शन अच्छा दे पाएंगे, वो ही अपना क्या करेंगे जो थेरापेटिक इफेक्ट उसने देना होगा वो थेरापेटिक इफेक्ट उसका डायरेक्टली प्रपोर्शनल रहेगा सरफेस एरिया के, यानी कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा ही वो फॉर्मुलेशन अपना थेरापेटिक इफेक्ट देगी, क्योंकि क्या उसके जो पार्टिकल साइज है वो अच्छे से अपना डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से दिखाएंगे, जितना ज्यादा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना ज्यादा ही रिसेप्टर पे के पास जाके बाइंड होगा, जितना ज्यादा रिसेप्टर्स पे आपकी बॉडी में बाइंड होगा आपका एक्टिव उतना ज्यादा ही आपका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ब्रेक अ मटेरियल इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इन ऑर्डर टू सेपरेट द वैल्यूएबल अमाउंट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब देखो जो एक पार्टिकल्स है, जो एक मेन पार्टिकल हम ले रहे हैं उसको क्या करते हैं हम दो वैल्यूएबल कंपाउंड्स में, दो वैल्यूएबल पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम बनाते हैं मीन्स उसको ब्रेक डाउन करके जब हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है कि आपके वो वैल्यूएबल ना रहे या फिर उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी भी सेम रहनी चाहिए, साइज भले ही उसका डिफरेंट हो बट उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, जो एक्शन उस पाउडर ने उस पर्टिकुलर कंपाउंड ने दिखाना है वो ही एक्शन वो शो करे, ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ब्रेकडाउन होने के बाद उसकी एक्टिविटी कम हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट इसका है अचीव इंटीमेट मिक्सिंग। क्या है कि अचीव इंटीमेट मिक्सिंग की ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि जो मिक्सिंग के लिए जो प्रॉपर मिक्सिंग होगी, जब आपका पार्टिकल्स का सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ही प्रॉपर वो मिक्सिंग रहेगी, तो हम पार्टिकल्स का जो साइज रिडक्शन करवा रहे हैं वो किस लिए करवा रहे हैं, टू अचीव द इंटीमेट मिक्सिंग की, अच्छे से जो मिक्सिंग हो सके पाउडर्स की। नेक्स्ट है आपका टू डिस्पोज सॉलिड वेस्ट इजिली, कि सॉलिड जो हमारा वेस्ट है उसको इजिली डिस्पोज कर सके, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव द हैंडलिंग करेक्टरिस्टिक्स, टू इम्प्रूव द हैंडलिंग करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि अब देखो हमारे पास कोई भी सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल है वो हमारा लार्ज साइज में है, अब हम उसको इजिली हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे अगर हम रखेंगे ले जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन भी वैसे भी बड़ी प्रॉब्लम होगी, बट अगर उसको कॉम्पैक्ट कर दिया जाए, ठीक है, उसके पार्टिकल का साइज रिड्यूस कर दिया जाए, एक फाइन पाउडर में उसको कन्वर्ट कर दिया जाए, तो हम उसको इजिली एक से दूसरी जगह, यानी कि उसका ट्रांसपोर्टेशन में भी इजिली रहेगा वो, और उसकी हैंडलिंग भी इजी होगी और उसकी करेक्टरिस्टिक्स भी अच्छी होगी। नेक्स्ट आपका है टू मिक्स सॉलिड पार्टिकल मोर इंटीमेटली, सॉलिड पार्टिकल्स को एक दूसरे सॉलिड्स के साथ हम अच्छे से मिक्स कर पाएंगे, क्योंकि अगर दोनों जैसे एक कोर्स पाउडर हमारे पास है और एक फाइन पाउडर हमारे पास है, अगर दोनों पाउडर्स की हम साइज उसका सरफेस एरिया क्या कर देंगे बढ़ा देंगे, उसको साइज क्या कर देंगे रिडक्शन करा देंगे, तो क्या होंगे वो दोनों इजिली और बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्सअप होंगे। नेक्स्ट आपका एडवांटेजेस ऑफ साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन की एडवांटेजेस क्या है हमारी, फर्स्ट वन इज कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, फार्मास्यूटिक्स में हमारे पास क्या रहता है, हमारी जब फॉर्मुलेशन रेडी होती है तो उसमें एक एक्टिव मेटाबोलाइट एक एक्टिव कंपाउंड रहता है, ठीक है, जो क्या देता है अपना मेन एक्शन जिसने देना होता है, जो मेन ड्रग होती है उसकी कंटेंट यूनिफॉर्मिटी होना जरूरी है, कि फॉर्मुलेशन अगर हम रेडी कर रहे हैं तो उस वो अब जैसे टैबलेट है तो टैबलेट में ऐसा नहीं है कि हाफ टैबलेट में आपका जो है एक्टिव ड्रग जो मेन ड्रग है आपकी, ठीक है, वो 70% है और बाकी में 30% है, नो, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म फ्लो। अब इसकी अगर पाउडर्स की अगर हम बात करें तो पाउडर्स का अगर साइज एक जैसा नहीं होगा या फिर उसका साइज क्या होगा
ज्यादा होगा तो इजिली फ्लो नहीं कर पाएगा, यानी कि वो इजिली अगर हम उसको फ्लो कराना चाहें या फिर हम उसकी जैसे पैकिंग करा रहे हैं या फिर मशीन्स में से एक दूसरे कन्वेयर्स पे एक जगह से दूसरी जगह पे अगर वो जा रही है, एक ड्रम में भी अगर उसको हम एक से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो इजिली नहीं हो पाएगा। बट जब हम उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, उसका साइज का रिडक्शन कर देंगे, तो उसका यूनिफॉर्म फ्लो होगा। नेक्स्ट है आपका अफेक्टिव ड्राइंग। अब अफेक्टिव ड्राइंग कैसे होगी कि अगर हम सॉलिड पार्टिकल्स ले रहे हैं, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स में हमारा पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उसको हम ड्राई कराने में बहुत टाइम लग जाएगा। बट अगर पार्टिकल साइज कम है तो ड्राई कराना बड़ा इजी रहेगा, वो बड़ा जल्दी ड्राई हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रहेगा इंक्रीज सरफेस एरिया और विस्कोसिटी। इंक्रीज जैसे हम साइज रिडक्शन करते हैं वैसे सरफेस एरिया तो रिड्यूस हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है, सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, साइज रिडक्शन होता है बट सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और विस्कोसिटी, साइज जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है, और कुछ एक पाउडर्स में या फिर कुछ एक फॉर्मुलेशन में जिसमें हमें विस्कोसिटी अच्छी चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ता है, उसका साइज रिडक्शन करना पड़ता है और सरफेस एरिया उसका बढ़ाना पड़ता है। नेक्स्ट आपका है यूनिफॉर्म मिक्सिंग एंड ड्राइंग। यूनिफॉर्म मिक्सिंग का मतलब है कि अगर आपके पास पाउडर्स का साइज कम है, मीन्स उसका पार्टिकल साइज क्या है, कम है, पार्टिकल साइज अगर फाइन है तो मिक्सिंग क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, एक जैसी रहेगी, एंड ड्राइंग, और उसका ड्राइंग रेट भी क्या होगा, बड़ा जल्दी होगा एज कंपैरिजन टू लार्ज पार्टिकल साइज। नेक्स्ट आपका है इम्प्रूव रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या रहेगा, जितना ज्यादा पार्टिकल साइज आपके फॉर्मुलेशन का क्या रहेगा, कम रहेगा, यानी कि सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा और पार्टिकल साइज जितना कम रहेगा उतना ज्यादा ही रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रहेगा, ठीक है, जितना कम पार्टिकल साइज उतना ही ज्यादा आपका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है इम्प्रूव डिसोल्यूशन रेट। इम्प्रूव डिसोल्यूशन रेट, अब आपने देखा होगा पाउडर, कुछ जैसे एक शुगर होगी और दूसरा हो गया आपका क्रस्ट शुगर। अब शुगर को डिजोल्व होने में टाइम लगता है क्योंकि उसका पार्टिकल साइज क्या है, ज्यादा है, बड़ा है। बट जो क्रस्ट शुगर है उसको डिजोल्व होने में, अगर उसको आप वाटर में डिजोल्व कर रहे हो, तो उसको डिजोल्व होने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि उसका पार्टिकल साइज ऑलरेडी रिड्यूस है। आपके नेक्स्ट स्लाइड में रहेगा डिसएडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन। अब देखो साइज रिडक्शन की डिसएडवांटेज भी बहुत सारी हैं। फर्स्ट है ड्रग डिग्रेडेशन। कई बार क्या होता है कि कुछ एक ड्रग जो हमारी एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं, जो हमारी एक्टिव कंपाउंड है, उसको हम क्या जब साइज रिडक्शन करवाते हैं तो वो डिग्रेड हो जाते हैं, क्योंकि उसकी एक पर्टिकुलर जो टेक्सचर रहता है, उसका एक पर्टिकुलर जो कंपाउंड है, वो एक रेंज तक ही अपना एक्टिव अपनी एक्टिविटी शो करता है। अगर उस रेंज से कम उसका पार्टिकल साइज हम कर देते हैं, अगर उसका पार्टिकल साइज ज्यादा रिड्यूस कर देते हैं, तो क्या होगा, वो ड्रग डिग्रेड हो जाएगी, मींस उसका कोई एक्शन नहीं होगा, उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी बड़ी कम हो जाएगी। यानी कि अगर उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी 100% है, तो सिर्फ उसकी डिग्रेड होके, या तो वो डिग्रेड होके 50% देगी या 60% या 70%, बट वो 100% नहीं देगी। नेक्स्ट आपका है कंटामिनेशन। अब कंटामिनेशन का भी बड़ा इफेक्ट है, क्योंकि जब भी हम पार्टिकल साइज को रिड्यूस कराते हैं तो कंटामिनेटेड तो हो ही जाते हैं। कई बार जैसे इक्विपमेंट्स में, जब बड़ी इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीनें होती हैं, उसमें क्या रहता है, वियरिंग एंड टियरिंग होती रहती है, वहीं पे ही कुछ तो कंटामिनेशन हो जाती है। और कुछ जैसे अगर इक्विपमेंट अच्छे से वॉश नहीं हुए, उनकी क्लीनिंग नहीं हुई है, या फिर उसको एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफर करते हुए क्या हो जाता है, कंटामिनेशन हो जाती है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज रहेगी। नेक्स्ट आपका है मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। अब साइज रिडक्शन के मैकेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके आ भी सकता है फाइनल में, क्योंकि जो साइज रिडक्शन का जो क्रक्स है, जिसके ऊपर ये बेस्ड है, वो आपके कौन कौन से हैं, वो आपके चार मेन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। फर्स्ट आपका है इम्पैक्ट, सेकेंड है कंप्रेशन, थर्ड है शियर, एंड फोर्थ है एट्रीशन। ये सारे मैकेनिज्म अपना अलग अलग फिनोमिना है, इनका अलग अलग एक्शन शो करते हैं, अलग अलग तरह से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इम्पैक्ट में क्या होता है, इम्पैक्ट के लिए हम हैमर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हैमर का जो मैकेनिज्म रहेगा वो क्या रहेगा, इम्पैक्ट के ऊपर बेस्ड है वो, ठीक है। पार्टिकल
पार्टिकल कंक्यूजन बाय अ सिंगल रीज्ड फोर्स यानी कि हैमर। जैसे ही हम किसी पार्टिकल के ऊपर क्या करेंगे, ऊपर से हैमर की हेल्प से इंपैक्ट करेंगे यानी कि प्रेशर डालेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, इंपैक्ट कहेंगे। सेकेंड इज कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या रहेगा, पार्टिकल डिसइंटीग्रेशन बाय टू रीज्ड फोर्सेस यानी कि नट क्रैकर। जैसे नट क्रैकर्स होते हैं उसमें क्या होते हैं कि नीचे से भी फोर्स लग रहा है और ऊपर से भी फोर्स लग रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन। यानी कि दो चीजों के बीच में कि उसको कंप्रेस होना, दो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में, दो सॉलिड मटेरियल्स के बीच में आपका पार्टिकल जो आपकी फीड है उसका क्या होना है, उसके बीच में रखेंगे, उसको क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, जो उसकी वजह से उसका पार्टिकल साइज जो डिक्रीज होगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, कंप्रेशन। नेक्स्ट आ जाएगा शीयर। शीयर में क्या रहता है आपका, प्रोड्यूस्ड व्हेन द पार्टिकल इज कंप्रेस्ड बिटवीन द एज ऑफ टू हार्ड सर्फेसिस मूविंग टेंजेंशियली। शीयरिंग में क्या रहेगा आपका, दो हार्ड सर्फेसिस होंगे, सपोज दो क्या होंगे, एक इक्विपमेंट भी है इसके लिए जो हम फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसमें क्या रहेगा आपका, वो शीयरिंग मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड रहेगा। उसमें आपके दो स्टोन्स होते हैं और वो दो स्टोन्स कैसे टेंजेंशियली क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, और उसके बीच में आपका क्या, जो मटेरियल जिसका आपने साइज रिडक्शन कराना है उसके बीच में से पास कराते हैं, और उसके बीच में से पास करा के उसका साइज रिडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है एट्रिशन। एट्रिशन में क्या रहेगा आपका, arising from particles scraping against one another or against a raised surface a file। attrition में आपका particles को scrap करेंगे यानी कि आपके जो जो material रहेगा उसके जो edges होंगे उसको क्या करेंगे, scrap, यानी कि किसी नाइफ की हेल्प से या फिर किसी ब्लेड की हेल्प से क्या करते रहेंगे, वो साइड से उसके पार्ट उसकी जो एजेस होंगी वहां से उसका साइज को रिड्यूस करते रहेंगे, वहां से उसको एजिटेट करते रहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम, एट्रिशन। नेक्स्ट आपका है व्हेन कंप्रेशन फोर्सेस नीडेड। हमें कंप्रेशन फोर्सेस कब चाहिए, कब चाहिए होते हैं कंप्रेशन फोर्सेस की हमें जरूरत कब पड़ती है, इफ मटेरियल इज हार्ड, इफ मटेरियल इज एब्रेसिव। अगर मटेरियल हार्ड है, अगर मटेरियल एब्रेसिव है यानी कि उसका सरफेस क्या कैसा है, बड़ा रफ सा है। इफ मटेरियल इज नॉट स्टिक, और अगर मटेरियल क्या है, स्टिक नहीं होता, सिर्फ वो ही कंप्रेशन में जा सकते हैं। व्हेन मटेरियल विल ब्रेक क्यूबिकली, और जब मटेरियल क्या होता है, एक क्यूबिकल, आपने सुना कि क्यूबिड, ट्रायंगल, ट्राइक्लिनिक, ये सारी शेप्ड होती हैं, ठीक है, और उसको क्या, जैसे क्रिस्टल्स होते हैं, हमारी क्रिस्टल्स हैबिट होती हैं अलग अलग, उन क्रिस्टल हैबिट्स में ये क्यूबिकली ब्रेक होना चाहिए, वही पार्टिकल्स आपके क्या हो सकते हैं, कंप्रेशन में जा सकते हैं। नेक्स्ट है वेयर द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज टू बी रिलेटिवली कोर्स इन साइज। सिर्फ वो ही कंप्रेशन में जा सकते हैं जिनका फाइनल प्रोडक्ट यानी कि आफ्टर कंप्रेशन जो रिजल्ट आता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो पाउडर की बजाय, पाउडर ना होके वो क्या रहता है, वो कोर्स पार्टिकल्स रहते हैं। नेक्स्ट आपका है फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन में हमारा रहेगा हार्डनेस, एब्रेसिवनेस, मटेरियल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये मेन आपके फैक्टर अफेक्टिंग रहेंगे। अब हार्डनेस से क्या समझते हो कि जितना मटेरियल आपका हार्ड होगा वो आपका अफेक्ट करेगा, क्योंकि उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा, उतना ही हमें फोर्स डालना पड़ेगा। जितना ज्यादा हार्ड मटेरियल होगा उतना ही हमें फोर्स डालना पड़ेगा, वो बाद की बात है कि कौन सा मैकेनिज्म आप उस पर अप्लाई कर रहे हो। बट इफ योर मटेरियल विल बी हार्ड, देन आपको क्या करना होगा, उतना ही ज्यादा हाई प्रेशर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है एब्रेसिवनेस। एब्रेसिवनेस क्या रहता है, एब्रेसिवनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्ड मटेरियल्स, पर्टिकुलरली दोज ऑफ मिनरल ओरिजिन। एब्रेसिवनेस इज प्रॉपर्टी है जो हार्ड मटेरियल्स की, पर्टिकुलरली कौन से वाले के लिए, जो मिनरल ऑर्गन्स हैं आपके, जो आपके मेराइन सोर्सेज से मिलते हैं। इफ इट मे लिमिट द टाइप ऑफ मशीनरी दैट कैन बी यूज्ड, आपके अलग जो भी मशीनरी यूज होती है उसके लिमिट ऑफ टाइप ऑफ मशीनरी, कुछ एक पर्टिकुलर टाइप की मशीन्स होती है, सिर्फ वो ही इनमें एब्रेसिवनेस, एब्रेसिव मटेरियल्स को ही वो क्या कर सकती हैं, उनका पार्टिकल साइज कम करा सकती हैं। ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग ऑफ सम वेरी एब्रेसिव सब्सटेंसेस द फाइनल पाउडर मे बी कंटामिनेटेड विद दोज, देन
0.1% ऑफ मेटल वोन फ्रॉम द ग्राइंडिंग मिल। अब देखो वही बात आ गई ना कि वियरिंग एंड टियरिंग, जब भी हम फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट्स में पार्टिकल साइज रिड्यूस कराते हैं तो क्या होता है वहां पे कई बारी की मशीन यूज होते होते उनमें वियरिंग टियरिंग, यानी कि कोई पार्टिकल कोई मेटल उसमें से क्या उसमें की ग्राइंड होके की घिसने के बाद उसमें उसके कुछ कुछ एक पार्टिकल साइज उसमें चले गए तो वो क्या कर देते हैं उसमें कंटामिनेशन कर देते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन में आपका एक और आ गया है मटेरियल स्ट्रक्चर, कि आपके मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, कि मटेरियल स्ट्रक्चर भी बड़ा डिपेंड करेगा आपका पार्टिकल साइज को रिडक्शन करने में, कि मटेरियल स्ट्रक्चर देख के हम ये करेंगे कि आपको उसका कंप्रेशन कराना है, उसकी कटिंग करानी है, ठीक है, या फिर उसका स्ट्रक्चर आपको अगर इक्विपमेंट के सुटेबल स्ट्रक्चर के साथ कि अगर बहुत ज्यादा बड़ा है फिर उसको पहले ही ब्रेक डाउन कराएंगे, पहले ही उसको किसी ना किसी प्रोसेस से उसका साइज रिडक्शन कराएंगे, उसके बाद इक्विपमेंट में उसको लेके जाएंगे। नेक्स्ट आपका है साइज रिडक्शन थ्योरीज। साइज रिडक्शन थ्योरीज में आपकी बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे रिटेंजर थ्योरी होगी, किक्स थ्योरी होगी और बोंड थ्योरी होगी। इसमें इन थ्योरीज में क्या रहता है, इसमें ना अलग अलग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखाए हुए हैं, ठीक है, उसमें पार्टिकल साइज हार्डनेस स्ट्रेंथ और अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के साथ में इनका ना डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन दिखाया हुआ है, कि रिटेंजर थ्योरी में अगर ये चीज चेंज कर दे तो हार्डनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, अगर किक्स थ्योरी में ये चेंज कर दिया तो स्ट्रेंथ का उसके ऊपर क्या इफेक्ट है, ठीक है, अगर पार्टिकल साइज का क्या इफेक्ट है, तो पार्टिकल साइज मेनली रिटेंजर थ्योरी के ऊपर डिपेंड करेगा, हार्डनेस किक्स थ्योरी के लिए और स्ट्रेंथ आपका बोन्स थ्योरी के लिए। ये कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं एज इट इज आपने बता देने हैं, ठीक है। फॉर कंप्रेशन ऑफ लार्ज पार्टिकल किक्स थ्योरी क्या रहेगी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये किक्स थ्योरी है। ये अलग अलग से ऐसे एक्सप्रेशन इनकी इक्वेशन दी हुई है, इसमें आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको इक्वेशन लर्न करनी है और वो बतानी है। ओके, थैंक यू।